हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले नेता अपना राजनीतिक भविष्य तलाशते नजर आ रहे हैं। इसी बीच कुसुमटी से विधायक अनिरुद्ध सिंह की भी कांग्रेस छोड़ भाजपा में जाने की चर्चा शुरू हुई, लेकिन विधायक अनिरुद्ध सिंह ने भाजपा में जाने की अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि वे चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। भगवान खुद भी धरती पर आकर भाजपा या फिर किसी अन्य दल में जाने को कहेंगे तो भी वे कांग्रेस पार्टी को छोड़कर नहीं जाएंगे। विधायक अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के वफादार हैं, उनकी पार्टी से कभी कोई नाराजगी नहीं रही। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि कुछ कांग्रेस के ही लोग उनके खिलाफ प्रपंच रखने की कोशिश कर रही है। यहाँ ऐसे लोग हैं जो खुद वार्ड सरपंच का चुनाव भी नहीं जीत सकते। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने इलाके के लोगों के लिए काम किया है और भविष्य में भी काम करते रहेंगे। वह संगठन के वफादार हैं और कांग्रेस पार्टी में रहकर ही जनता की सेवा करेंगे। चुनाव की बात है, चुनाव नजदीक है, इलेक्शन हम लोग कांग्रेस पार्टी से लड़ने जा रहे हैं और रही नाराजगी की बात, मेरी कभी भी नाराजगी कांग्रेस से जीवन में नहीं रही है। कोई ऐसा इंस्टेंस भी नहीं हुआ है कि हमने कभी नाराजगी दिखाई हो या जाहिर करी हो। और जब ऐसे ऐसे चुनाव जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो कई तरह के भ्रामक प्रचार होते हैं, उसमें कुछ हमारी अपनी पार्टी के लोग होते हैं जो कि सबको पता है कि हमारे रिलेशन जो है वो सेंटर से भी अच्छे, बहुत अच्छे रिलेशन है। तो कुछ एक हमारे लोग जो कांग्रेस पार्टी के कथाकथित जिसको बोल सकते हैं नेतागण, जिनके पास अपने वार्ड मेंबर लड़ने की जिनके पास क्षमता नहीं है, वो लोग ऐसे प्रचार जो है करते हैं इमेज डैमेज करने के लिए। तो मैं आपके माध्यम से बिल्कुल स्पष्ट और दो टूक बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले हमारी कोई नाराज़गी कांग्रेस पार्टी के प्रति या किसी अन्य किसी नेता के प्रति नहीं है। हम लोग वी आर ऑलवेज लॉयल टू द पार्टी एंड विल बी लॉयल टू द पार्टी। और मुझे भी उठती उठती खबर जिसको बोलते हैं एक र्यूमर मेरे कानों तक भी आई थी कि किसी हमारे नेशनल लीडर जो है उन्होंने हमारा नाम कहीं लिया है कि बीजेपी ये ज्वाइन करेंगे। तो मैं आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहूँगा, भगवान भी आके बोलेंगे कि बीजेपी ज्वाइन करो तो हम बीजेपी में नहीं जाएंगे या किसी अन्य पार्टी में नहीं जाएंगे। हम जो कुछ भी हैं कांग्रेस पार्टी ने हमें दिया है, ज़िला परिषद चेयरमैन बनाया, पार्टी में यूथ कांग्रेस में नेशनल यूथ कांग्रेस में हमें पद दिया है, इंडियन यूथ कांग्रेस में AICC का सचिव बनाया है, दो बारी पार्टी का टिकट दिया है किन्हीं हालातों में। तो हम अपनी लॉयल्टी जो है हमेशा पार्टी के साथ ही रखेंगे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले नेता अपना राजनीतिक भविष्य तलाशते नजर आ रहे हैं। इसी बीच कुसुमटी से विधायक अनिरुद्ध सिंह की भी कांग्रेस छोड़ भाजपा में जाने की चर्चा शुरू हुई, लेकिन विधायक अनिरुद्ध सिंह ने भाजपा में जाने की अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि वे चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। भगवान खुद भी धरती पर आकर भाजपा या फिर किसी अन्य दल में जाने को कहेंगे तो भी वे कांग्रेस पार्टी को छोड़कर नहीं जाएंगे। विधायक अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के वफादार हैं, उनकी पार्टी से कभी कोई नाराजगी नहीं रही। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि कुछ कांग्रेस के ही लोग उनके खिलाफ प्रपंच रखने की कोशिश कर रही है। यहाँ ऐसे लोग हैं जो खुद वार्ड सरपंच का चुनाव भी नहीं जीत सकते। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने इलाके के लोगों के लिए काम किया है और भविष्य में भी काम करते रहेंगे। वह संगठन के वफादार हैं और कांग्रेस पार्टी में रहकर ही जनता की सेवा करेंगे। चुनाव की बात है, चुनाव नजदीक है, इलेक्शन हम लोग कांग्रेस पार्टी से लड़ने जा रहे हैं और रही नाराजगी की बात, मेरी कभी भी नाराजगी कांग्रेस से जीवन में नहीं रही है। कोई ऐसा इंस्टेंस भी नहीं हुआ है कि हमने कभी नाराजगी दिखाई हो या जाहिर करी हो। और जब ऐसे ऐसे चुनाव जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो कई तरह के भ्रामक प्रचार होते हैं, उसमें कुछ हमारी अपनी पार्टी के लोग होते हैं जो कि सबको पता है कि हमारे रिलेशन जो है वो सेंटर से भी अच्छे, बहुत अच्छे रिलेशन है। तो कुछ एक हमारे लोग जो कांग्रेस पार्टी के कथाकथित जिसको बोल सकते हैं नेतागण, जिनके पास अपने वार्ड मेंबर लड़ने की जिनके पास क्षमता नहीं है, वो लोग ऐसे प्रचार जो है करते हैं इमेज डैमेज करने के लिए। तो मैं आपके माध्यम से बिल्कुल स्पष्ट और दो टूक बोलना चाहूँगा कि
कि सबसे पहले हमारी कोई नाराज़गी कांग्रेस पार्टी के प्रति या किसी अन्य किसी नेता के प्रति नहीं है। हम लोग वी आर ऑलवेज लॉयल टू द पार्टी एंड विल बी लॉयल टू द पार्टी। और मुझे भी उड़ती उड़ती खबर जिसको बोलते हैं एक र्यूमर मेरे कानों तक भी आई थी कि किसी हमारे नेशनल लीडर जो है उन्होंने हमारा नाम कहीं लिया है कि बीजेपी ये ज्वाइन करेंगे। तो मैं आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहूँगा, भगवान भी आके बोलेंगे कि बीजेपी ज्वाइन करो तो हम बीजेपी में नहीं जाएंगे या किसी अन्य पार्टी में नहीं जाएंगे। हम जो कुछ भी हैं कांग्रेस पार्टी ने हमें दिया है, ज़िला परिषद चेयरमैन बनाया, पार्टी में यूथ कांग्रेस में नेशनल यूथ कांग्रेस में हमें पद दिया है, इंडियन यूथ कांग्रेस में AICC का सचिव बनाया है, 2 बार ही पार्टी का टिकट दिया है किन्हीं हालातों में। तो हम अपनी लॉयल्टी जो है हमेशा पार्टी के साथ ही रखेंगे।